का पहला क्यूआर कोड आधारित ई बीट सिस्टम बन गया है। पहली बार बिहार के बोधगया में क्यूआर कोड से गश्ती होगी। एसएसपी पुलिस पेट्रोलिंग पर नजर रख सकेंगे। गया पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए क्यूआर कोड जारी किया है। इसके तहत पुलिसकर्मी कहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं इसके बारे में सभी जानकारी जिला मुख्यालय को मिलती रहेगी। इससे सख्ती से पुलिस गश्ती में मुस्तैदी भी रहेगी। क्यूआर कोड जारी करने से पुलिस पदाधिकारी अब अपराधी पर ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मी पर भी नजर रख सकेंगे। पुलिस की गाड़ी कहां पेट्रोलिंग कर रही है इसके बारे में सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने क्यूआर कोड का लोकार्पण किया। गया जिले में पेट्रोलिंग को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए उसके बेहतर एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स है अपराध के दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहां पर ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। और अभी वर्तमान में बोधगया शहर में 46 स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं और सभी जो पेट्रोलिंग में जो पदाधिकारी और कर्मी रहेंगे उनके पास एक ऐप के माध्यम से उनको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा उस जगह पे जाकर के, जिसके माध्यम से उनके लोकेशन की जानकारी हम लोग को मिल जाएगी और साथ ही साथ फोटो भी वो अपलोड कर सकते हैं जिस जगह पे वो पेट्रोलिंग करने गए हैं। इसके माध्यम से उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सके।